घर वास्तु के बेडरूम में इस प्रकार कभी ना सोएं। घर वास्तु के बेडरूम में इस प्रकार कभी ना सोएं। बहुत परेशानियां, दिक्कतें, बीमारियां, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। नमस्कार, मैं उमेद दुगड़ जैन, वास्तु शास्त्री, जय जिनेंद्र। मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार व किन परिस्थितियों में आपको नहीं सोना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। आप इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लें। बेड पर यथासंभव काली बेड शीट बिछाकर नहीं सोना चाहिए, इससे नेगेटिव विचार बहुत आएंगे, हर चीज़ में निराशा पैदा हो सकती है। अपने एक पैर पर दूसरा पैर, कई बार ऐसे एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सो जाते हैं, नहीं सोना चाहिए, जैसे कैंची होती है। उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में सिर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव का उल्टा प्रभाव हो जाता है। उत्तर में सिर किसका होता है और कब किया जाता है, ये तो शायद आप जानते ही हैं। घर में, घर के सेंट्रल जोन में यानी एकदम बीच में अर्थात ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं सोना चाहिए। बेड के सामने, बेड के ठीक सामने आईना यानी लुकिंग मिरर कभी नहीं होना चाहिए, इससे डिप्रेशन हो सकता है। काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं सोना चाहिए, इससे नकारात्मक विचार बहुत आएंगे। अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर, कई बार लोग ऐसे सोते हैं, अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर नहीं सोने चाहिए। फूल माला पहनकर नहीं सोना चाहिए, मुंह खुला रखकर, कई बार लोग ऐसे सोते हैं, मुंह खुला रखकर नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा देर तक दाईं करवट यानी राइट साइड नहीं सोना चाहिए। पैर दरवाजे की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। दरवाजे की तरफ पैर किसके होते हैं ये भी आप ज़रूर जानते होंगे। अगर आप वास्तुशास्त्र के छोटे छोटे इन नियमों का पालन नहीं करते तो अनेक रोग, मानसिक तनाव, शारीरिक समस्याएं, कमजोरी, डिसीजन पावर में कमी, अच्छे व्यवहार में कमी, नींद नहीं आना, उल्टे उल्टे सपने आना, कई समस्याएं धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे सोएं व बेडरूम की आंतरिक व्यवस्था व साथ सच्चा कैसी हो जहाँ जीवन सुख शांति आनंद व समृद्धि की ओर बढ़े, तो उसका विस्तृत विवेचन मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड में बेडरूम पर एक बड़ा वीडियो है जिसमें बहुत से लोगों ने देखकर लाभ लिया है, उसे आप भी गहराई से देखकर लाभ ले सकते हैं। पर फिर मिलते हैं वास्तु विज्ञान के अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, मेरा चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर दें, जिससे नए नए वीडियो आपको हमेशा उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।